नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज कुले, आप लोगों के साथ। एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कुले टेलीविजन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बीओई का पैनल है। देखिए HV320WHB N80। ये पैनल 32 इंच का पैनल है, आप देख सकते हैं। ये फिलिप्स कंपनी में यूज किया। ये बीओई का पैनल बहुत सारी 32 इंच का टीवी में आप देख पाएंगे। तो ये देखिए, टू सोर्स ऑफ है, यहाँ पर एक है लेफ्ट और राइट, यहाँ पर है। ये प्रॉब्लम क्या है पहले आप देख लीजिए। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, ठीक है, आप देख सकता है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। आज का जो ट्रैफिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पावर आ गया। मैं बैकलाइट स्टैंड बाय रिलीज किया। देखिए बैकलाइट ऑन हो गया, अब यहाँ मालूम होगा। देखिए यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो गया, लेकिन अब देखिए कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये मैं कैसे रिपेयर करूँगा, एक कॉमन प्रॉब्लम है ये मॉडल में, एक कॉमन प्रॉब्लम है आप देख सकता है। और जो भी मॉडल ये बीओई का 32 इंच का ये जो मॉडल नंबर है आप देख सकता है, ये मॉडल नंबर पैनल का मॉडल नंबर है। बहुत सारी कंपनी ये मॉडल पैनल यूज़ किया है, लेकिन कंपनी अलग है, लेकिन मॉडल पैनल एक सेम है। तो ये मैं कैसे रिपेयर किया अब देखिए, पहले इसको क्या प्रॉब्लम होता है आप देखिए। थोड़ा सा टाइम लग गया, वीडियो पूरा कंप्लीट करिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए मीटर को देखाइए एक साथ दोनों को, देखिए 12 वोल्ट पैनल में जो VCC है वो सप्लाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर DC to DC IC जो है ये यूज किया है 6861AA Q। तो इसमें देखिए 12 वोल्ट इन होता है, और देखिए 12 वोल्ट इन होता है और 3.3 वोल्ट भी आउटपुट होता है, ठीक है। देखिए ये VGL जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है, ये VGL है। और ये VGH जो पॉइंट है यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए देखिए इधर देखिए VGH जो पॉइंट है अब देख सकता है, ये जो VGH है यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं है। काम करिए, लाइट का डिस्टरबेंस होता है तो क्या करेगा। देखिए ये VGH पे कुछ वोल्टेज नहीं है और AVDD में कुछ वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर AVDD पॉइंट है। देखिए तो ये जो कॉइल है ये देख रहा है AVDD कॉइल है, AVDD स्विचिंग के लिए ये डायोड जो है AVDD का डायोड है। यहाँ पर देखिए डायोड का एनोड में जो वोल्टेज है कैथोड में सेम वोल्टेज है, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट परफेक्ट आउटपुट होता है, 3.3 वोल्ट इज ओके, 3.3 वोल्ट इज ओके, बट त्रिकोण रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज है वो कुछ नहीं आउटपुट होता है। तो इसीलिए बैकलाइट ओके, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आया। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक सर्किट डायग्राम में किया, मैं आपको ऐसा ही दिखाऊंगा। अब देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों,
मैं एक खुद से एक ड्राइंग किया, एक ड्राइंग करके को दिखाया। अब देखिए पूरा दिखाइए एक साथ, पूरा दिखाइए, पूरा देखिए, ठीक है। देखिए 6861 आईसी है, ये मैं ड्राइंग किया। यहाँ से देखिए 12 वोल्ट इन होता है, 12 वोल्ट भिन वोल्टेज इनपुट है, लेकिन ये जो आईसी का 20 नंबर पिन 16 नंबर एंड 17 नंबर में 12 वोल्ट वीसीसी इन होता है। यहाँ से देखिए 13 एंड 14 नंबर पिन से 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है, 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है। एबीडीडी वोल्टेज कहाँ से आउटपुट होता है, देखिए एबीडीडी, एबीडीडी आपको स्विचिंग कॉयल है, ये डायोड है, डायोड का पर कहाँ पर जाता है, देखिए एक पीएनपी का मॉसफेट का सोर्स में जाता है, सोर्स में जाता है, ड्रेन से आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ से 25 और 6 नंबर पिन से एबीडीडी स्विचिंग होता है। तो होता है क्या, आप पहले देख लीजिए, और इधर देखिए वीजीएच ऐसा ही सर्किट बना है। जो वीजीएच में 32 और 33 वोल्टेज जनरेट होगा, वो आपको ऐसा ही तरफ सर्किट आप देख पाएंगे। इसको बोलता है वोल्टेज डेवलपर सर्किट। मैं आपको थियोरिकली बताता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली देखाऊंगा। यहाँ से एक वोल्टेज रहेगा, यहाँ से एक वोल्टेज रहेगा, यहाँ से आउट ज़्यादा होगा, यहाँ से 32 का आसपास रहेगा, 32 और 33 का आसपास रहेगा। देखिए यहाँ पर एबीडीडी वोल्टेज इन होगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए सबसे जो वाइटल पॉइंट है ये क्या होता है, देखिए 12 वोल्ट इन होगा, 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा। आउटपुट होने का बाद देखिए ये जो पिन नंबर 9 है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पिन, इसको ए आई सी का एनेबल पिन है। यहाँ से अब देखिए ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट यहाँ से एक आया है, एक कैपेसिटर ग्राउंड है, एक रजिस्टर से ये एनेबल दिया। ये 9 नंबर पिन से एनेबल सप्लाई मिलने का बाद ही आपको ये सब वोल्टेज निकलेगा, ये सब वोल्टेज निकलेगा। आउट एक वाइटल पिन है, देखिए या ये जो पिन नंबर होगा 30, पिन नंबर होगा 30 से यहाँ से इसको बोलता है जी डी गेट ड्राइवर, इसको बोलता है जी डी, ये जी डी गेट ड्राइव आउटपुट होगा। यहाँ से एनेबल मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, यहाँ से गेट ड्राइव आउट होने का बाद ही पूरा वोल्टेज आउटपुट होगा। लेकिन एक गेट ड्राइव नहीं आउटपुट होगा तो आप यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा, और ये मॉसफेट कुछ डिस्टर्ब रहेगा तो आप यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये सेट में कॉमन प्रॉब्लम है, ये मॉसफेट खराब होता है, बहुत सारी मॉसफेट सेट में ये किया, मॉसफेट खराब होता है। लेकिन आपको ये मॉसफेट में हीट देगा, हीट अप्लाई करने के बाद एक दिन दो दिन 5 डे 6 डे चलेगा, लेकिन फिर वो आपको पास वापस आएगा। आप क्यों करेगा, मॉसफेट आपको मीटर में सही दिखाएगा तो आप एक पीएनपी को मॉसफेट ऊपर न्यू सोल्डरिंग कर दीजिए, आपका सेट परमानेंट शॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉरी आप देखिए मैं स्विच ऑफ करता हूँ, आपको ये मॉसफेट यहाँ तक देखिए, ये जो मॉसफेट है पीएनपी का मॉसफेट, ये जो मॉसफेट है ये मॉसफेट देखिए आप, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, आप देखते रहिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से वॉच करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको वहाँ से थियोरिकली दिखाया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप देखिए मीटर को डायोड रेंज में रखिए, ये जो मॉसफेट है देखिए, मॉसफेट को मैं टेस्ट करता हूँ, देखिए कुछ नहीं आता है, देखिए ये मॉसफेट रीड नहीं दे रहा है, लेकिन ये मॉसफेट खराब हो गया। ठीक है, तो ये मॉसफेट मैं चेंज करूँगा, ये मॉसफेट चेंज करने के बाद ही सेट ऑन होगा। अब देखिए तो और क्या है, और बहुत सारी है, देखिए यहाँ पर वीजीएच है, यहाँ पर वीजीएल है,
पहले ए मॉस्फेट मैं चेंज करूंगा, आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक मॉस्फेट मेरे पास है, मेरे पास एक मॉस्फेट है, मैं ओपन करके रखा। ठीक है, मैं वो रिमूव करूंगा, फर्स्ट टाइम इसको रिमूव कर दूंगा। देखिए चलिए इसको रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों ये काम करने के लिए, तो बहुत टाइम देना पड़ेगा ना। आप देखते रहिए, मॉस्फेट कनेक्ट करने का बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, समस्त कुछ तो एक सेकेंड देखिए दोस्तों, बहुत ही समस्त यूजर का कोई डिस्टर्ब होता है, प्रॉब्लम होता है। चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों मॉस्फेट सोल्डरिंग हो गई। सोल्डरिंग हो गया तो इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा, ये दोस्तों ये 10-15 मिनट का खेल नहीं है, ये पूरा समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आप ये मॉस्फेट कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको मीटर को एक साथ दिखाइए, मीटर को दोनों को एक साथ दिखाइए। देखिए ये मॉस्फेट यहाँ पर है, देखिए मॉस्फेट मीटर को दिखाइए, मीटर को देखिए, ये मॉस्फेट मैं नया कनेक्ट किया। ठीक है तो आ गया, तो आप इस टाइम देखिए वोल्टेज क्या होता है, इसको ग्राउंड करूंगा। देखिए चलिए इधर दिखाइए मीटर को, देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट तो सही है, आप देख पाता है 12 वोल्ट सही है, और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एवरीडी पॉइंट है, देखिए एवरीडी 16 वोल्ट जनरेट हो गया। आप यहाँ पर मीटर को एक साथ दिखाइए, देखिए कोई डिस्टर्ब होता है। ठीक है देखिए आप देखते रहिए, अच्छा होगा, देखिए ये एवरीडी वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो गया, आप देखिए यहाँ पर एबिलिटी पॉइंट है, देखिए एबिलिटी वोल्टेज आ गया। ये जो मॉस्फेट है यहाँ पर देखिए
ए गेट, ए सोर्स है, ए सोर्स में एबीडीडी वोल्टेज है, सोर्स से यहाँ पर गेट ड्राइव मिलेगा, ये गेट ड्राइव है, ये आईसी से आता है 13 नंबर पिन से, या ड्रेन से एबीडीडी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। देखिए और देखिए ड्रेन से एबीडीडी वोल्टेज जनरेट होता है, जब भी एबीडीडी वोल्टेज जनरेट होगा, ये देखिए ये दो डायोड है एसएमडी टाइप, मैं बोला था, देखिए यहाँ पर एबीडीडी वोल्टेज आएंगे, देखिए एबीडीडी वोल्टेज आया है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज बूस्ट अप होगा, 16 से 20 हो गया, 20 से यहाँ पर देखिए 24 हो गया, 24 से यहाँ पर देखिए 28 हो गया, 28 से यहाँ पर देखिए फाइनली वीजीएस 32 वोल्टेज बन गया, वो जो मैं सर्किट में दिखाया, ठीक है। और वीजीएल तो है, अब देखिए वीजीएल तो है 7.9 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार डिस्प्ले क्या है मैं देखूंगा, देखिए दोस्तों डिस्प्ले आ गया, देखिए डिस्प्ले तो आ गया, देखिए डिस्प्ले आ गया ब्लू स्क्रीन, वो पिक्चर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट इधर है। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद हुआ। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, गुड नाइट।